सुहे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग रियलमी C21Y में कोई भी एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे आप लोग उसे अनहाइड कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये चीज़ें जो है काफ़ी लोगों को नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग रियलमी C21Y में कोई से भी एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर सकते हैं और उसे गाइस आप लोग अनहाइड करना चाहते हैं तो उसे आप लोग कैसे अनहाइड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को यही बताने वाला। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर गाइस आप लोग मुझे वहां इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए क्या करना है। तो गाइज आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का जो सेटिंग है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन करेंगे उसके बाद गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा है प्राइवेसी, तो इस पर जस्ट आपको गाइज क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गाइज यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हाइड ऐप्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है सेट है प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट। तो गाइस उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं सेटिंग्स लिखा है, तो इस पे आपको गाइस क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप लोग क्या लॉक लगाना चाहते हैं हाइड ऐप्स में, तो जो भी गाइस आप लोग लगाना चाहते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे 6 डिजिट का ऑप्शन आ रहा है और मेरे को लगाना है गाइस यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड। तो उसके लिए गाइस आप यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, इस पे आपको गाइस क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 4 डिजिट पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग यहाँ पे गाइस पासवर्ड लगाएंगे आपका 4 डिजिट में लगेगा। तो मैं यहाँ से एक पासवर्ड लगा लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके गाइस, तो पासवर्ड यहाँ पे आपको जो है दोबारा से भी आपको इंटर करना है सेम वही पासवर्ड जैसे कि यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। ओके गाइज, जैसे आप लोग यहाँ पे पासवर्ड अपना इंटर कर देंगे तो कुछ इस तरीके का गाइज आप यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज नेम ऑफ योर टीचर्स, तो गाइज यहाँ से मैं क्लिक करके चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ व्हाट इज़ योर फादर्स नेम वाला ऑप्शन को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग जो चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ अपने फादर्स का नाम, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। आप लोग जो भी चाहिए गाइस आप सेलेक्ट करके, ठीक है, आप लोग उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है अपने फादर्स का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करके और आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपने फादर्स का नाम यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ। ये गाइस तब काम आता है जब आप लोग अपना पासवर्ड जो है भूल जाते हैं, तो रिकवर करने के लिए जो है ये चीज़ें काम आती है, तो ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सेट रिकवरी ईमेल, तो इस पर जस्ट क्लिक करके आप लोग कोई ईमेल डालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ईमेल यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद गाइस आपको करना क्या, सिंपली आप ऊपर में साइड में देख सकते हैं राइट साइड में टिक का ऑप्शन बना हुआ है साइन का, तो इस पर आपको गाइस क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है उसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइड में उसके, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट को हाइड कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन को गाइस आपको यहाँ पे हाइड करना है उसको आपको ऑन कर देना है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे हाइड करने वाला हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं मैक्स प्लेयर को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको गाइस बस आपको यहाँ से ऑन करना है, आपका एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में 2 डॉट बना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेटिंग ऑप्शन आ चुका है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है
चेंज एक्सेस कोड, इस पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक एक्सेस कोड लगा देना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक्सेस कोड लगा देता हूँ। तो उसके लिए आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हैज डालना है, ठीक है। हैज डालने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कोई सा भी यहाँ पे जो है डिजिट डाल देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिजिट डाल देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको हैज डालना है, फिर आपको ऊपर देख सकते हैं राइट साइड में टिक का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। ओके गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको गाइस यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जो भी आप लोग एप्लीकेशन को हाइड किए हैं उसको देखने के लिए, उसको ओपन करने के लिए सिंपली अपने मोबाइल का जो डायलर है इसको आपको ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे डायल पैड को ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप जो है आपको एक्सेस कोड डालना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हैज, फिर 15, फिर 15, फिर हैज। जैसे यहाँ पे मैं डालूंगा देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो भी एप्लीकेशन को हाइड किया यहाँ पे मेरा शो होने लगा है और यहाँ से मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और गाइस जो भी आप लोग एप्लीकेशन को हाइड किए हैं उसको आप लोग चाहते हैं मतलब अनहाइड करना, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइस आपको फिर से आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन आ चुका है, तो प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर हाइड ऐप्स ऑप्शन आ चुका है, हाइड ऐप्स पे आपको क्लिक करना है और जो भी पासवर्ड आप लोग इंटर किए थे उसको आपको यहाँ से इंटर कर देना है। फिलहाल यहाँ पे मैं पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 एप्लीकेशन को हाइड कर रखा है। तो जो भी आप लोग गाइस चाहते हैं एप्लीकेशन को हाइड से अनहाइड करना यानी कि बाहर निकालना, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, अनहाइड करने के लिए सिंपली आपको इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ से ऑफ कर देंगे तो जो एप्लीकेशन है आपका अनहाइड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से अनहाइड करके, तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन देख सकते हैं आप लोग अनहाइड हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस आप लोग इसको अनहाइड कर सकते हैं।